आपको क्या लगता है कि हुकूमत अब क्या प्लान कर रही है? एक तरफ तो हुकूमत का ये कहना है कि हम तो किसी तौर भी किसी फैसले पर असरअंदाज नहीं होंगे, फिर ये वज़ीर-ए-आज़म का कह देना कि अगर आप पैसे वापस कर देते हैं तो हम आपको छोड़ भी देंगे। तो आपको क्या लगता है किस पैराहे में ये स्टेटमेंट दी गई है? देखिए मदिया, एक दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक तो फोकस गवर्नमेंट को भी होना चाहिए और नैब को भी होना चाहिए। नैब का काम सिर्फ है टू रिकवर मनी, और उस प्रोसेस में जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। देखना अगर नवाज शरीफ हैं या फवाद हैं या आहा चीमा हैं या आप पीपल्स पार्टी के ले लें या ओमनी ग्रुप ले लें या ख्वाजा साद हों या अलीम खान हों, हम पाकिस्तान को पैसा चाहिए जो हमारे अवाम का लूटा हुआ पैसा है। अगर ये सबसे लेट से हम नवाज शरीफ को कहते हैं कि आपने 10 बिलियन डॉलर की करप्शन की है, एंड नवाज शरीफ को 10 साल जेल भी दे देंगे, पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। हमें वो 10 अरब रुपया चाहिए या 10 बिलियन डॉलर चाहिए, ताकि उसके बाद ये होती है प्ली बारगेन। प्ली बारगेन के अंदर आप ना तो 10 साल इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। सो आपको सजा भी मिल गई, आप मुल्क से चले जाएं, यहाँ रहें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वी वांट मनी टू बी रिकवर्ड। अगर 20-25 बिलियन डॉलर्स आप इन करप्ट लोगों से ले लेते हैं, इन सबको इस वक्त करप्शन की हुई है, जैसे मलिक रियाज का भी हो रहा है, सबका हो रहा है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी विल अफेक्ट अलॉट, और इससे जो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा डेवलप होगा। ये हमारी सोच कि ये नेगेटिव थिंकिंग जा रही है, ये पॉजिटिव जा रही है। बहुत लोग थे, बहुत मुल्क के बाहर सरमायाकार थे जो आप करना चाह रहे हैं कि दे नो के चलें, कम अज़ कम इस तरह की करप्शन नहीं होगी जो पहले ड्राइंग में जाके इसलिए डील होती नहीं। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ऑनेस्टली आई फील कि सबको सख्ती से प्ली बारगेन में लाएँ। आप जब उनको लाके वहाँ पर रखेंगे वीवीआईपी, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देंगे तो कोई पैसा वापस नहीं करेगा। यहाँ पर मेरे ख्याल में नैब चेयरमैन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है।